रेनबो नेशन साउथ अफ्रीका से स्वागत करते हैं सभी दर्शकों का KFC T20 सीरीज। शुरुआत इस श्रृंखला की पहली गेंद ऊपर की तरफ, अच्छी सकारात्मक सोच, अच्छी फील्डिंग भी ब्रेट्स के से। विच जिसका फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन विश्व क्रिकेट के एक बेहतरीन फील्डर बैकवर्ड पॉइंट पे डेविड मिलर का योगदान आ गया है। इस मुकाबले में तीसरी गेंद पे यशस्वी जायसवाल को वापस जाना होगा। एक बार फिर से एक्शन में थे, बाई तरफ ड्राइव किया था जायसवाल को आउट करने के लिए, या दाहिनी तरफ मौका था जो हाथ से छिटक गया जीवन दान तिलक वर्मा के लिए। ऑलमोस्ट एक्शन रीप्ले। आउट LBW, पैर ज्यादा आगे नहीं गया और अभी ये कोई नई सेलिब्रेशन की स्टाइल भी आ गई है विलियम्स की। शुभमन गिल पूछ रहे हैं कि क्या DRS ले लूं, और तिलक वर्मा ने कहा हाँ जरूर ले ले। ओरिजिनल डिसीजन आउट, पिचिंग आउटसाइड, इंपैक्ट इन लाइन, विकेट्स रिटेन। विश्वास कम उम्मीद ज्यादा थी जब ये मांग की थी DRS की। तीसरे ओवर को लेके मार्को यानसन पैड्स पे फ्लिक किया तिलक वर्मा, पहला मौका थोड़ा सेलिब्रेट करने के लिए भारतीय दर्शकों के पास। एक और बार हाथ खोलने का मौका, इस बार पॉइंट के ऊपर से पैड्स पे फाइन लेग फील्डर अप्रोच कर रहे हैं उसी दिशा में, एक और चौका। बेहतरीन शॉट इसी के बीच, ऑन दी अप। यही तलाशते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में स्वागत इसी अंदाज में हुआ था सूर्य कुमार यादव का ये शॉट, जिसकी चर्चा दुनिया भर में होती है। एक और शॉट लजीज अलोंग द ग्राउंड कवर बाउंड्री की दिशा में, दो अच्छे ओवर भारत के लिए। इजाज विलियम्स के लिए थोड़ा चेंज ऑफ एंड्स, तिलक वर्मा स्कूप शॉट, ये थोड़ा हेलीकॉप्टर सा उड़ा है, जिसने अपनी मंजिल को पाया भी है। छठवीं ओवर चल रही, ये एक छक्का हो सकता है। नो कैच आउट, लंबे कट के मार्को यानसन के हाथों कैच आउट हुए। सीम से डाली हुई है गेंद, थोड़ा सा अतिरिक्त बाउंस हुआ, लेकिन थोड़ा सा ऊपरी भाग में लगा, वहां कोई गलती नहीं करी मार्को यानसन ने। तो पहली गेंद पे खाता खोला है इस चौके के साथ, चाहे थोड़ा सा बल्ला मोड़ा हो, लेकिन चार रन रिंकू सिंह के नाम। बीट किया है फील्डर को, सिर्फ हल्का सा संपर्क, सूर्य कुमार यादव स्पेशल। एक और कड़क शॉट, इस चीज के लिए जाने जाते हैं सूर्य कुमार यादव, उस गैप को भेजते हुए चार रन और। शफल करके अपने लिए ये मौका बनाया था शॉट खेलने का, छह और। लीजिए एक और अर्धशतक कप्तान सूर्य कुमार यादव के नाम, उनका 17वां अर्धशतक T20s में। बेहतरीन शॉट यहां पर, इस बार रिंकू सिंह के बल्ले से ओवर पिच गेंद, मिड ऑफ के ऊपर से करारा शॉट। पर एक खासियत है इनकी, यहां पे चार और, जो घटा था पिछले ओवर में बीती हुई बात है, ये नया ओवर है, स्लेट क्लीन है। या यहां पे हो गई है मुश्किल, जी हाँ हो गई है मुश्किल, तबरेज शमसी को मिलती हुई सफलता, और अब बड़ा विकेट है ये, कप्तान का विकेट है ये। एक बार फिर प्लेसमेंट अच्छी है, पेस भी है और चार भी है। यहां पर जितेश शर्मा
और जिया वापस जाना होगा। चांस लिया स्पिन के खिलाफ और एक आसान सा कैच डीप विकेट पे, बड़ा झटका ये भारत को, पांचवा विकेट होती हुई भारत। और ये रिंकू सिंह बेहतरीन बल्लेबाजी, अपना पहला अर्धशतक बनाते हुए भारत के लिए टी20 आईज में, खास बल्लेबाजी करी है यार रिंकू ने। जडेजा फ्लैट थी लेकिन फाइन लेग के ऊपर से छह के लिए। रिंकू सिंह एलिवेशन प्राप्त किस तरीके से करना है, शायद थोड़ा ज्यादा वहां पे बेंड किया लेकिन मंजिल को पाया। एक बार फिर एकदम सीधा, युवराज सिंह के जन्मदिन पे रिंकू सिंह की बिग हिटिंग। ऑन साइड पे स्क्वायर लेग अंदर, फाइन लेग अंदर, सिको बीट करने का प्रयास, ऊपर तेज गति से गेंद पैड्स पे जाके लगी, अक्रॉस थे जडेजा। बॉल ट्रैकिंग, ओरिजिनल डिसीजन आउट, इंपैक्ट इन लाइन, हिट इन द विकेट्स। रिंकू भाग पड़े थे लेकिन वापस आना पड़ेगा क्योंकि दो गेंदों पे दो विकेट्स जेरल्ड कोत्सिया के लिए, शॉर्ट थर्ड मैन के लिए कैच। बहुत देर से जो ये घने बादल मंडरा रहे थे, इन्होंने फैसला किया है थोड़ा अपने आप को जाहिर करने का। शायद इनिंग्स रिज्यूम ना हो तो एक नया रिवाइज टारगेट होगा, तीन गेंदों का कैलकुलेशन करके जो बाकी रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा इनिंग्स, ये अच्छी इनिंग्स रही है भारत के लिए बल्लेबाजी को देखकर, क्योंकि जिस तरह से विकेट गिरे। रिवाइज टारगेट दक्षिण अफ्रीका के सामने 90 गेंदों में 152 का। दूसरी इनिंग्स की पहली गेंद, एज काफी दूर, थर्ड मैन पे प्रयास अच्छा, पहले अटेम्प्ट पे था लेकिन उसके बाद गेंद गई है सीधा सीमा रेखा के साथ संपर्क करने। मौका तलाशते हुए मोहम्मद सिराज, ऊपर वाली लेंथ जिसपे पूरी वसूली की है, बैट के एकदम बीच से एक्स्ट्रा कवर ड्राइव रीजा हेंड्रिक्स के लिए, ये दूसरा चौका। अटेम्प्ट बहुत अच्छा, कैचिंग कवर्स में मौजूद, लेकिन ऐसा लगा कि जो कुछ था सब छोक दिया बल्लेबाज ने। इस बार अंदर की तरफ लेके आए, पिकअप शॉट लगाया है और ब्रिट्स की यहां पे अपने दर्शकों के हौसलों को बुलंद करते हुए पहला छक्का इस पारी का। राउंड द विकेट एंगल के साथ, बैट के साथ जब संपर्क हुआ आप जानते थे ये गेंद पोर्ट एलिजाबेथ से बाहर। एक और अच्छी गेंद रविंद्र जडेजा की, पहला रन तेज गति से भाग गया, अच्छी सोच डीप पे फील्डर, गलत गलत एंड पे रविंद्र जडेजा, जितेश शर्मा तैयार है, भारत को मिली है पहली विकेट। तालमेल की कमी अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, इस सफलता की बेहद आवश्यकता थी प्रिंस के रन आउट। मेरे को लगता नहीं था यहाँ पे दूसरा रन था, हालांकि पहला रन बहुत तेजी से भागा था दोनों ही बल्लेबाजों ने और वहाँ पे पहले से ही नो की कॉल दे दी थी हेनरिक्स ने, ध्यान था कि उन्हें लगता था दो रन हो जाएंगे। तीसरी गेंद पे शॉट की रचना की है एडन माक्रम ने, चाहे जितनी तारीफ की जाए कम। उसके बाद ऊपर गेंद दे बैठे मिड ऑफ का फील्डर दायरे के अंदर, ये तोहफा था। इस बार मजबूर किया, थोड़ा लाइन को बाहर कीजिए एडन माक्रम, मन मुताबिक खेलते हुए। एक बार और बाहर डाली हुई गेंद, फेस खोला पॉइंट का, थर्ड मैन का फील्डर अंदर था तो पीछे डीप कवर्स के लिए कोई मौका नहीं। करारा शॉट है जी, चार ओवर है यानी इस ओवर में बैक टू बैक दूसरी बाउंड्री, यहां पे करारा प्रहार है मैक्सिमम के लिए, ये बार है। इस बार हवा में, पर क्या दूरी मिली है पूरी, जी नहीं, अच्छा कैच है मोहम्मद सिराज के द्वारा बाउंड्री रोप पे और आखिरकार मुकेश कुमार को मिलती हुई सफलता। कप्तान एडन माक्रम का विकेट निकाला यहां पे।
लासेन की उम्मीदें कुछ और। आप दबाव डालिए, रिलीज शॉट मेरे पास है, खाता खोला है सिक्स के साथ। विकेट की तलाश थी, सीधा हाथ में खेल दिया। एक समय ऐसा लगा कि शायद बम्प बॉल गई थी, लेकिन दोबारा नजर डालिएगा, सीधा हाथ में गई है सूर्य कुमार यादव के। ना 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 ना, ये गई है ऊंची और गई है सीधा हाथ में। यशस्वी जायसवाल ने कोई गलती नहीं करी और एक और विकेट गिरती हुई साउथ अफ्रीका की। हेनरिक क्लासन 7 रन बनाकर आउट और मोहम्मद सिराज के नाम एक और सफलता। हवा में जरूर, गैप में, लेकिन 4 रनों के लिए। डेविड मिलर बहुत ताकत है बाजुओं में और कलाइयों में भी। बहुत सही समय पे ये दबाव जो बनाया था मुकेश ने उसको रिलीज किया है डेविड मिलर ने। अगली गेंद लो फुल टॉस, पीछे फील्डर, जीत मुकेश की क्या अभी भी कहानी में ट्विस्ट बचा है। मेहनत का फल मिला है यहां पे मुकेश को। दबाव में शॉट को खेला है, इसमें जोखिम था, ठीक ठाक जोखिम था, लेकिन रिस्क के साथ मिला है रिवॉर्ड। देयर इट इज, मधुर ध्वनि ये दक्षिण अफ्रीका के फैंस के लिए। भारत के गेंदबाजों ने प्रयास खूब किया, लेकिन एक गीले मैदान पे जहां परिस्थितियां गेंदबाजी के लिए आसान नहीं थी, दक्षिण अफ्रीका की दमखम वाली बल्लेबाजी ने 5 विकेट से इस रन चेस को पूरा किया। जो 180 स्कोरबोर्ड पे डाले थे भारत ने 19.3 ओवर में, रिवाइज टारगेट 152 का मिला साउथ अफ्रीका को 15 ओवर में बनाने के लिए, वो आसानी से चेस डाउन कर लिया। 5 विकेट से साउथ अफ्रीका ने इस मुकाबले को जीता है।